सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रति संध्या काल हम श्री राम कथा पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और इस श्रृंखला में हम सीता जी के हरण तक पहुंच गए हैं। और हमने ये देखा कि किस तरह से सीता मैया को श्री गया, जटायु की किस तरह से बड़ी सुंदर गति हुई, श्री संप्रदाय इत्यादि में जटायु को बड़ा ही श्रेष्ठ वैष्णव माना जाता है, और उनके ऊपर बहुत सारे लेख, बहुत सारे पुस्तकें, बहुत सारे गीत लिखे गए। तो आज हम प्रसंग चर्चा कर रहे थे, उसमें एक स्थान पर ये आता है कि सीता मैया ने क्यों ये बोला कि तुम मांस या फिर इसको मार करके ले आओ। तो इसका उत्तर हम इस तरह से दे सकते हैं कि सीता मैया ने उस मृग को देख करके वो बहुत आकर्षित हो गई, और वो उस मृग की छाल ले आने के लिए उनको बोलने लगी। कुछ जगहों पे तो ये लिखा हुआ है कि केवल उस हिरण को ले आओ और मैं उसको कौशल को बाद में जब जाऊंगी तो गिफ्ट करूंगी, क्योंकि अब काफी समय बीत चुका है, तो 1 साल 2 साल बाकी, 1 साल ही बाकी है, तो इसलिए ऐसा इन्होंने आग्रह किया। तो सबसे पहला तो लॉजिक ये भी है कि आप, जैसा कि आपने कहा कि वो वेदवती हैं और उनको ये कारण बनना था, तो इसलिए वो जानती थी कि इस तरह का मृग कहीं होता नहीं जो कि मणियों से सुशोभित हो और सोने का उसकी छाल। तो फिर एक तो ये कारण हो जाता है, और दूसरा सीता देवी ये जानती हैं कि ये रावण की मृत्यु होनी है, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए, तीसरा भगवान की इच्छा से प्रेरित होकर के सीता मैया पहले तो कभी ऐसे नहीं करती, इतने दिन से जंगल में घूम रही थी, बहुत सारे मृग, बहुत सारे शेर, बहुत सारे जानवर दिखे, लेकिन सीता मैया ने कभी भी किसी की छाल ले आने के लिए या किसी जानवर को मारने के लिए कभी नहीं बोला। आज एकाएक से एक जानवर को मारने के लिए बोल रहे, उसके बाद भी हमने कभी नहीं सुना कि सीता मैया किसी मृग या किसी जानवर को मारने के लिए कहती है। तो ये तो चौथा लॉजिक हो गया। पांचवा लॉजिक ये है कि क्षत्रिय जो है उसको ये आखेट करना क्षत्रिय धर्म में अलाउ था, जैसे कि दशरथ महाराज एक बार हिरण को मारने गए थे, शेर को मारने के लिए दौड़ा रहे थे, और उस बाघ समझ करके उन्होंने श्रवण कुमार को मार दिया, तो उसके लिए उनको लेकिन छत्र धर्म का पालन करने के लिए कभी भी युद्ध करने के लिए तैयार होना चाहिए। मतलब अगर कभी भी किसी भी जगह पर किसी पे भी संकट आता है, तो अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय धर्म का पालन, धर्म का पालन कर रहा है, उसको फिर तुरंत उसकी रक्षा के लिए खड़े खड़े होना पड़ेगा, और अपनी जान गंवाने पर भी उसको संकोच नहीं होना चाहिए। तो जो लोग ये कहते हैं तो उनको ये भी लॉजिक हम दे सकते हैं। फिर छठवां लॉजिक ये है कि अगर मान लो कोई ये कहता है कि आपके रामचरितमानस में तो ऐसे लिखा हुआ है, सीता जी ने कह दिया मारने के लिए, है ना, तो अगर आप रामचरितमानस को मानते, आप उसको फॉलो करते, तो फिर ठीक है, आइए फिर आप और भी चीजों को मानेंगे। तो रामचरितमानस में तो ये भी लिखा हुआ है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो आप आइए हमारे साथ टोला माला कीजिए, केवल वो मारने वाला मांस वाला एरिया बस कर रहे हैं,
और कोई चीज नहीं हो सकता। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप उनको समझा सकते हैं। ठीक, तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं। अब राम जी विलाप करते हुए सारे जगहों पर पूछते पूछते जा रहे हैं। जितना विलाप नारद मुनि ने किया, भृगु पत्नी ने किया, तो ये दोनों कहानियां हैं। आप में से किसको ये भृगु पत्नी वाली कहानी पता है? आप में से कोई है जैसा जो कि भृगु पत्नी वाली कथा जानता है? भृगु पत्नी का श्राप क्या था? किसी को नहीं पता। तो एक समय की बात है कि कुछ ऋषि महात्मा कुछ राक्षस को भगवान आखेट कर रहे थे, उनके पीछे जा रहे थे, और वो भृगु ऋषि आश्रम में चले गए। भगवान ने उनका वध कर दिया था और बाद में फिर भृगु पत्नी ने उनको श्राप दे दिया था कि आपको भी अपने पत्नी का विरह अनुभव करना पड़ेगा। इस तरह से नारद मुनि को भी उन वो जिससे प्रेम करते थे उससे विरह भगवान ने करवाया, उसके उनको फिर से अपनी पत्नी से विरह सहना पड़ा। तो फिर हम आगे इस चर्चा को बढ़ा रहे हैं। श्री राम जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर उनके मन को भाया, और तदंतर श्री राम रघुनाथ जी ने को चरण नवाकर वह अपनी गति गंधर्व पाकर आकाश में चला गया। तो ये कदम कबंध नाम के एक राक्षस को, जो कि पिछले जन्म में एक गंधर्व था, जो दुर्वासा ऋषि के श्राप से, दुर्वासा ऋषि ने उसको श्राप दे दिया था जिसकी वजह से वो दुर्वासा ऋषि के श्राप से कबंध जो था वो पहले जो गंधर्व था वो कबंध बहुत ही बड़ी उसकी बाजुएं थी, इसकी बाजुओं को टुकड़े टुकड़े करके चिता में जलाया श्री राम जी ने और लक्ष्मण जी ने। इस तरह से वो कबंध नाम का राक्षस मरा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राम रामचरितमानस में कुछ एक चीजों को बहुत ही शॉर्ट में कहा गया है, लेकिन मैं इसको बाद में आपको कर दूंगा। तो ये दोनों भगवान राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए रास्ते से जा रहे थे, जहां पर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी बाजू है जो कि जो भी बाजू के अंदर आता उसको निगलने लगता। तो जो कबंध गंधर्व था इसका नाम दनु था या फिर विश्ववसु था। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि कबंध नाम के राक्षस को मार डाला। उसने अपने श्राप की सारी बात कही और उसने कहा कि दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। हे गंधर्व, तो गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, भक्तों से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। ये भगवान राम ये कह रहे हैं।
तो दोनों भगवान राम और लक्ष्मण उसके हाथ को काटते हैं और फिर काट करके उसके शरीर को जला देते हैं। वो कबंध उनको ऋषिमुख पर्वत की ओर दिशा देते हैं और वे कहते हैं कि सुग्रीव के साथ दोस्ती करके वो रावण को हराकर सीता मैया को ले आ सकते हैं। तो अमृत पाने के लिए इस ऋषि वसु ने बहुत तपस्या की थी और फिर ब्रह्मा जी ने कहा था कि ठीक है, आपकी जो शरीर है वो 1 कल्प तक जीवित रहेगा, क्योंकि 1 कल्प तक जीवित रहेगा इसलिए इंद्र को भी ये जो है परेशान करने लगे ये गंधर्व। फिर इंद्र ने क्या किया, इसको वज्र से मारा फिर। तो इस तरह से भी एक कथा आती है। तो और ये भी कथा आती है कि मतंग ऋषि के आश्रम में क्रौंच जंगल में ये कुछ समय इन्होंने बिताया था और इन्होंने राक्षसों को डरा डरा करके एक दिन कबंध ने स्थूल शिर नाम के एक ऋषि को इस तरह से डराया। तो कबंध को स्थूल शिर ने यह श्राप दे दिया कि ठीक है, तुम इसी तरह के शरीर में जन्मों जन्मों तक रहोगे। फिर कबंध ने बहुत प्रार्थना की तो कहा कि तो उन्होंने स्थूल शिर ने कहा कि ठीक है, राम आकर के तुम्हारे हाथ पैर को काट करके तुम्हें मुक्त करेंगे। तो आध्यात्म रामायण में ये लिखा हुआ है कि कबंध एक गंधर्व थे, विश्व वसु शब्द नहीं यूज किया वहां पर, और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान, 1 कल्प के जीवन का वरदान प्राप्त करके वो अष्टावक्र जो ऋषि हैं उनके ऊपर हंसने लगे। तो फिर अष्टावक्र ने उन्हें श्राप दिया कि तुम राक्षस बन जाओगे और आगे चल के, और तुम और महाभारत में ये लिखा हुआ है कि ये जो है विश्व वसु थे। महावीर चरित नाम का एक ग्रंथ है जिसमें कबंध को बताया गया है कि ये दनु थे, ये श्री के पुत्र थे, पर यहाँ पर वर्ड ये दनु नाम का वर्ड यूज किया गया है। लेकिन रामचरित मानस यहाँ पर ये कह रही है कि ये जो दुर्वासा ऋषि ने जो श्राप दिया था इनको, ये कबंध को श्राप दिया था दुर्वासा ऋषि ने, ऐसा यहाँ पर वर्णन मिलता है। पर दुर्वासा ऋषि ने क्यों श्राप दिया था इसके बारे में वर्णन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो मैं और जो ग्रंथ हैं इसका वर्णन
तो वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में थोड़ा बहुत वर्णन आता है कि जटायु की स्टोरी आती है, फिर कबंध की स्टोरी भी आती है कि वो अच्छा, तो वहां पर ये भी लिखा हुआ है कि ये श्री नाम की एक अप्सरा है और गंधर्व विश्ववसु के पुत्र के रूप में ये जन्म लिए थे। और इन्होंने स्थूलशीर नाम के एक ऋषि को बहुत डरावना रूप लेकर के एक बार डराने लगे थे, तो फिर उन्होंने ही इनको ये उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है, अच्छा तो ये है कि यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि स्थूलशीर ने भी ये श्राप दिया कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे जैसे तुम्हें इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से तुम्हारे शरीर को और केवल धड़ ही धड़ रह गया, उसका पैर इत्यादि नहीं रह गया। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया गया है, इसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताया गया। तो ज्यादा इसके बारे में दुर्वासा ऋषि ने किस तरह से श्राप दिया ये रामचरितमानस में लिखा तो हुआ है, लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं। ठीक है, तो नहीं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं जितना हमने तो कबंध के बारे में हमने चर्चा किया, फिर उसके बाद भगवान ने अपने चरणों में प्रेम देखकर उस जो है कबंध को, उस गंधर्व को बाद में कहा कि तुम कुछ समय के लिए गंधर्व रूप में रहोगे और बाद में तुम मेरे भक्त बन जाओगे। फिर भगवान राम शबरी जी के आश्रम पधारे। ताहि देई गति राम उदाराम, शबरी के आश्रम पगु धाराम, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वन माला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी, प्रेम से मग्न हो गई, मुख में वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही थी। तो शबरी जी किस तरह से भक्ति और किस तरह से ये हुई, इसके बारे में वर्णन शास्त्रों में आता है। तो मैं इसको वाल्मीकि रामायण ये वर्णन करता है कि एक समय के बाद शबरी जी जब 9 साल की या 6 से 9 साल की थी, तभी इनके घर वालों ने छोटी कास्ट की थी, तो इसलिए इनके घर वालों ने इनका विवाह तय कर दिया। लेकिन विवाह तय कर दिया तो इनके वहां जंगल में कुछ भोजन इत्यादि, इतने लोगों के लिए तो खेती वगैरह थी नहीं, तो सबने बस मांस जो है बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा किया
और कहा कि सबको हम गेस्ट हमारे जो भी आएंगे उनको मांस खिलाएंगे। तो जब इतने जानवरों को इकट्ठा किया गया तो शबरी देखा कि मेरे विवाह के लिए इतने जानवरों को काट दिया जाएगा। ये देख करके शबरी घर से बाहर भाग गई, घर से भागी, और उसके बाद उसको कहीं जाने का तो जगह नहीं था बेचारी को। तो आई मतंग ऋषि के आश्रम में और आकर के उसने कहा कि वहीं पर रहने लगी। तो रहने लगी तो मतंग ऋषि के जो ब्रह्मचारी लोग थे उन लोगों ने वहां पर देखा, उन लोगों ने कहा कि अरे ये लड़की यहाँ पे कैसे रह रही है। तो उसने मतंग ऋषि को बताया सब लोगों ने कि ये यहाँ पे लड़की कैसे रह रही है। तो फिर मतंग ऋषि ने समझाया कि बिटिया देखो यहाँ पर लड़के ही रहते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम है यहाँ पे। तो केवल लड़के ही रहते हैं। तो फिर उसने कहा कि लेकिन मेरा कहीं जाने का कुछ जगह ही नहीं है, तो आप बताइए मैं क्या करूं, मेरा आपके अलावा मेरा कोई रास्ता नहीं है। तो फिर मतंग ऋषि ने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर रहो आसपास में ही, इस आश्रम में तो नहीं रह सकते, पास में ही आप कुटिया बना लो, यहाँ आश्रम में तुम झाड़ू पोछा इत्यादि किया करो। तो वो झाड़ू वगैरह करती थी शबरी। जब उनके जो गुरुदेव थे वो मतंग ऋषि जब अपने भगवान के धाम को जाने लगे तो शबरी के अंदर भक्ति भाव बहुत प्रधान हो चुका था और वो भी बूढ़ी हो चुकी थी। तो जाने लगे तो हर शिष्य को उन्होंने बताया कि तुमको क्या क्या करना है। लेकिन तुमको क्या करना है, तुम्हें किस तरह से भगवान को तुम प्राप्त करोगे। लेकिन शबरी को कहा कि क्योंकि तुमने हमारे सारे भक्तों की सेवा की है तो ये देखिए ये बार बार आ रहा है कि भक्तों की सेवा करने वाला व्यक्ति वहां पर, तो देखो कैसा भी कुछ व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती। भगवान की सेवा करने वाले की दुर्गति हो सकती है, कुछ चांस है कि भगवान की सेवा करने वाले की दुर्गति हो जाएगी, लेकिन भक्तों की किसी ने अगर सेवा की है तो उसका भौतिक आध्यात्मिक किसी भी प्रकार की दुर्गति हो ही नहीं। उसके कर्म फल के अनुसार भगवान उसको सबसे बेस्ट ही देंगे, बेस्ट ही देंगे भगवान। तो भक्तों, मैंने तो जिंदगी बदलते देखी है, भक्तों की सेवा करने वालों की जिंदगी बदलते देखी है। तो ये भक्त सेवा जो है, भक्तों की सेवा करना और उनको प्रसन्न करना, ये बहुत मेरे ख्याल से इस संसार का सबसे बड़े कार्य जो है वो ये है, भक्तों को प्रसन्न करना और उनकी सेवा। हाँ, पर हमको ये जानना पड़ेगा कि हर एक भक्त की किस प्रकार से सेवा की जाए। जैसे कोई एक भक्त है जो कि बहुत वरिष्ठ है, कोई महाराज है, तो उनकी सेवा हम शरीर से कुछ सेवा कर रहे हैं या कुछ उनके लिए प्रसाद वगैरह ले जा रहे हैं, जो भी सेवा हम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई नया वैष्णव है अभी माला करना सीख रहा है तब हम उसके लिए क्या स्तर पे हम कर सकते हैं। मान लो वो कहता है कि प्रभु जी वो जो मंदिर का स्पीकर है ना वो हमें चाहिए, तो थोड़ा सा एक दिन के लिए हमको थोड़ा अपने दोस्त की पार्टी में बजाना है, तो आप कहेंगे ले जाओ वैष्णव सेवा के लिए बड़ा आवश्यक। इस तरह से दोस्त की पार्टी में वो तो मूवी के गाने बजाएंगे और फिर क्या होगा, क्योंकि मूवी के गाने बजाएंगे तो इसलिए आपको भी पाप लगेगा उनको भी पाप लगेगा, क्योंकि जिस जिस व्यक्ति ने उस स्पीकर के लिए दान दिया होगा, मान लीजिए 40,000 का स्पीकर या 70,000 का स्पीकर है,
70,000 का स्पीकर है, लेकिन एक दिन के लिए उसका इस्तेमाल हो गया भौतिक चीज में। तो अब क्योंकि आपने अलाउ किया, उतना परसेंट कर्म उसका आपको लगेगा। मान लो जिस व्यक्ति ने 70,000 दान किया था, उसके भाग्य में था कि उसका जो है सर फटना है। तो अब जो व्यक्ति एक दिन के लिए शेयरिंग आपने किया थोड़ा सा, तो उसको भी थोड़ा कर्म लेना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत खरोच लगेगी। या कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में ही दरवाजे में लड़ गए और फिर थोड़ी खरोच लग गई, तो वो आपको भी लगेगी और उनको भी थोड़ा कुछ होगा। अगर कोई व्यक्ति, तो ये जो है कर्मों का सिद्धांत बड़ा गहन है। फिर अच्छा, शबरी की कथा में बता रहा था कि इस तरह से शबरी जो है लौट के आई और सेवा करने लगी। फिर मतंग ऋषि जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे अंदर सेवा भाव प्रधान है, तुमने भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा करने में तुम्हें रुचि है, क्योंकि तुम्हारे अंदर सेवा भाव प्रधान है, इसलिए भगवान स्वयं तुमको दर्शन देंगे। तुम बस इंतजार करना, एक दिन तो भगवान स्वयं स्वयं राम जी आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। तो अपने गुरु के आदेश को मान करके शबरी ने कुछ नहीं बोला और हर दिन वेलकम करने के लिए अपनी लकड़ी से चलते हुए, किसी तरह लाठी से चलते हुए सुंदर सुंदर फल चख करके रखती थी एक स्थान पर। और क्योंकि वो सोचती थी कि भाई पता नहीं कैसा लगेगा, मीठा ही फल इनको देना चाहिए भगवान राम को। और हर दिन फूल इत्यादि सजाती थी। बहुत सारे लोग भगवान राम का इंतजार कर रहे थे, पर शबरी के घर पे भगवान स्वयं आए थे। तो इससे ये पता चलता है कि भगवान राम को महल हो या बहुत सारा कुछ, तपस्या इत्यादि कुछ, उससे ज्यादा ये है जिसका भगवान से अनुराग, मतलब ममता, सब कहे ममता ताज बटोर, मतलब ठाकुर जी मेरे हैं, मतलब ये सोचने वाला व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मेरे हमेशा। इसीलिए एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, एक भक्त को ये सोचना चाहिए कि मेरे ठाकुर जी मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड में मेरे गुरु जी हमेशा, राइट साइड में गुरु जी कृष्ण और लेफ्ट साइड में हमेशा मेरे गुरु जी हमेशा देख रहे हैं मुझे। तो शबरी को ये प्रेम, ममता, ममता अपनापन है, जैसे कि सब कुछ अपनापन है, सब कुछ बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं भगवान से भी बहुत प्रेम करते हैं। मान लो सब गड़बड़ हो गई, तब भी भगवान से बातें करते हैं, टॉकिंग टू कृष्णा। एक बार हिजगिरी आनंद प्रभु जी मुझे बता रहे थे, बोलते हैं कि वी शुड टॉक टू कृष्णा सेवरल टाइम्स अ डे, लेक्चर में भी बोलते हैं। लेकिन एक दिन गाजियाबाद मंदिर की बात है, तो कुछ समस्या चल रही थी, तो हम दोनों लोग जाकर के जगन्नाथ जी से बातें किया। पहले वहां पे जगन्नाथ जी थे गाजियाबाद मंदिर, तो कुछ कुछ इश्यूज चल रहे थे, बड़ा मतलब काफी स्ट्रगल था। तो फिर तो प्रभु जी फिर जो है उस समय, फिर हम जगन्नाथ जी से बातें करते थे। मैं तो क्या ही बात कर रहा हूँ प्रभु जी, मैं तो ज्यादा बात ऐसे ही, मैं बस प्रैक्टिस था। हाँ, जब मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मैं उतना अच्छा वक्त तो था नहीं, तो जब मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, फर्स्ट कंपनी आई जब,
तो मैं अब क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही आ गया था भक्ति में, बीटेक में, तो अब अच्छा मुझे बहुत लगता था ये सब कुछ, मंगल आरती, गुरु पूजा, सब एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक फॉर मी, आई लाइक एवरीथिंग। इस्कॉन में मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, प्रसाद बांटते हैं, हरनाम संकीर्तन करते हैं, मंगल आरती बहुत अच्छी लगती है, गुरु पूजा में नाचना बहुत अच्छा लगता है, जय प्रभु पदा, जय प्रभु, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सारा चीजें मुझे, महाप्रसाद जब वो देते हैं, वो भी चरणामृत लेना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो नहीं, ये सब, और जब अभिषेक होता है भगवान का, तो जब शहद ऐसे आता है भगवान के ऊपर से, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यानी जो भी, मतलब आई लाइक द टब, तो मैं सब कुछ करके जाता था। तो फिर जब पहली बार मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, फर्स्ट कंपनी आई, ड्रीम टेक या कोई डमी कंपनी, मतलब इट वाज नॉट ए, तो उन्होंने मुझे रिव्यू दिया कि आपका इसलिए नहीं हुआ, ये है वो है सब ऐसे, बट डमी कंपनी थी, इट वाज नॉट ए, इट वाज जस्ट ए फेक कंपनी फॉर आवर मॉक इंटरव्यू। लेकिन मैं पहुंच गया जगन्नाथ जी के पास, मैंने बोला ऐसी की तैसी, अरे 24 घंटे यहाँ कूद रहे गुरु पूजा में, भागवतम क्लास के बाद, महाप्रसाद लेने के बाद, मैं बीटेक के कैरियर में फर्स्ट पीरियड में नहीं गया, सेकंड पीरियड में जाता हूँ, उसके बाद 3 सवा 3 बजे रोज उठ रहा हूँ, है इतना खून खराबा आपके लिए, और आप मेरे लिए एक कंपनी में सिलेक्शन नहीं करा सकते। अब हमको क्या पता था कि वो मॉक कंपनी थी, कॉलेज वालों ने तो बताया नहीं था। लेकिन लेकिन भगवान से बात करना चाहिए, प्रतिदिन भगवान से बात करना चाहिए। आपका जो भी स्थिति है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे देखो मैं तो बहुत पाप कर दिया, है ना। नहीं, तो कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पाप कर देते हैं, फिर भी मान लो आपने गड़बड़ कर दिया, मान लो किसी ने ऐसा कर दिया कि ओसामा बिन लादेन से दोस्ती कर दी, चाहे जो भी कर लिया आप, स्टिल स्टिल आपको भगवान से बात करते रहना चाहिए, दिन भर बात करना चाहिए, जस्ट टू एक्सप्रेस की सॉरी गड़बड़ हो गया, या जैसे भी करके, पर लेट्स एक्सप्रेस आवरसेल्व्स टू कृष्णा, कि कभी ना कभी तो होश आएगा, कितनी बार सॉरी बोलेंगे एक ही चीज के लिए। मान लो आपने सॉरी बोला कि मेरे को सुबह जल्दी नहीं उठ पाया मैं, अगले दिन फिर सॉरी, अगले दिन फिर सॉरी, फिर एक दिन तो लगेगा कि नहीं यार बहुत सॉरी हो गया, अगर फिर भी नहीं भी कर पाए तो भी दिन भर भगवान से बात करना चाहिए। उस समय मैंने सीखा, बड़ी उस समय बड़ा क्रिटिकल चल रहा था, बड़े हम बहुत कष्ट में थे, कष्ट में तो नहीं थे वैसे, ये बात तो है, कष्ट में नहीं थे, लेकिन भगवान हमको बड़ा मजबूत बना रहे थे इस उस सिचुएशन से, उस समय बहुत मतलब काफी, तो उसमें हम काफी स्ट्रांग बन गए, तो कुछ भी आता तो हम झेल लेते। दैट वाज इन द ईयर 2008 2009, ऐसे इस समय बिताए, मुझे भक्ति में आए हुए ही 2 साल हुए थे, 3 साल, 2 साल हुए थे, और थर्ड ईयर तक आते आते तो मंदिर की चाबी हमारे पास होती थी, सारे मंदिर और हम ही लॉक करते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं। मैंने वो समय भी देखा जब मंदिर में सिर्फ दाल चावल बनता, गीला चावल, बहुत लेकिन मैंने देखा वो दान ही नहीं आता था इतना, जो व्यक्ति जो मुख्य दान करता थे वो जरा, जो फंड कलेक्शन करते थे वो थोड़ा नाराज हो गए थे, और इस वजह से बड़ा समस्या हो गया। लेकिन मैंने देखा कि मैंने ये देखा कि भगवान से बात करना हमेशा ही अच्छा रहता है। तो एक बार इस सुंदर गोपाल प्रभु, जब फिर बाद में क्या हुआ कि
किसी कारणवश वहां से उसको निकाल दिया गया। तो अरे फिर मतलब फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम फिर वहां पे कुछ चेंज हुआ, तो मैंने देखा कि जो बाद में एक बहुत वरिष्ठ ब्रह्मचारी आया वो भी इसी तरह से बोलते थे, नहीं कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट गैम्बलर, डोंट कोई हमारे साथ कितना भी छल करे भगवान सबसे बड़े छल है। तो आप चिंता मत करो, कृष्ण को समर्पण करके बातें करो कृष्ण से और कह दो सब कुछ अपने दिल की बात, है ना। एनीहाउ, तो यहाँ पर शबरी के आश्रम में भगवान पधारे हैं केवल इसलिए क्योंकि सेवा भाव बहुत है, सेवा में रुचि बहुत है। सेवा भाव का मतलब क्या है? जिसको सेवा भाव में रुचि होती है वो उसको करता रहता है, कोई भी कंडीशन हो सेवा को छोड़ता नहीं, उसका अपना कोई मोटिवेशन नहीं होता उसमें सेवा। अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, अनकंडीशनल डिवोशनल। तो किसी मोटिव से नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। लेकिन भक्त के एक इच्छा रहती है, एक चीज भक्त इच्छा कर सकता है, आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है? वैसे तो समय हो गया है, भक्त एक चीज की इच्छा कर सकता है, कौन सी चीज की इच्छा कर सकता है बता सकते हो आप? कौन भक्त? देखिए मैं कौन, आवाज नहीं आ रही है। ओके, रीना माता जी, भक्त एक चीज की इच्छा कर सकता है, रीना माता जी बताएंगे? मैंने अनम्यूट का कमांड दिया आपको। कृष्ण प्रभु जी, शायद हाँ बताइए। भगवान को भगवान भगवान को क्या? चलो आपके भाई से पूछते हैं। यश प्रभु, कृष्ण प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम प्रभु प्रणाम। जी। वैष्णव की सेवा मिले इसकी इच्छा कर सकता है। हाँ, भक्त बहुत अच्छा। धीरे धीरे यश प्रभु अभी काफी सीनियर डिवोशनल हो गए हैं, धीरे धीरे अब बहुत बुद्धिमान हो गए। तो ये एक भक्त सेवा की अभिलाषा कर सकता है, ये उसका कोई, इसमें कोई उसका नहीं, सेवा मुझे मिले कुछ, है ना, इसका अभिलाषा। हाँ ये है कि कोई एक सेवा मिले, यही वाली सेवा मिले, उसमें उसका हो सकता है कि कोई भक्तों को लेकिन सोचना चाहिए, जो उनके जैसे कोई बहुत पुराना भक्त हो गया है तो उसको बोलना चाहिए कि आपको लीडरशिप रोल लेनी चाहिए, है ना। उन भक्त लोग नहीं सोच रहे, वो बेचारा बोल रहे चलो जो भी सेवा मिल रहे, और 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, झाड़ू देना है, सब्जी काट रहे हैं, झाड़ू दे रहे, यही काम। तो दिस इज अ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द ट्रेनिंग विच ही हैज गॉट इन इस्कॉन, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ आज आवाज वगैरह भी थोड़ा नहीं आ रही थी, फिर भी सभी भक्त बने रहे, तो थैंक यू सो मच। और मैं इसको अभी यहीं पर क्लोज करता हूँ, और अभी मैं ज्यादा प्रश्न उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि आजकल मैं थोड़ा माता पिता की सेवा में हूँ, मेरा बहुत सौभाग्य है कि मेरे को सेवा खूब मिलती है। अब बहुत दिन से भक्तों सब सेवा कर ही रहे थे, और बहुत सारी यात्राएं की, सारा इंडिया छान मारा, छोटे छोटे मंदिर पानी के अंदर वाले भी मंदिर दर्शन कर डाले। सारे मंदिर दर्शन कर डाले, सब कुछ कर डाले। तो अब ये थोड़ा समय आया, यहाँ पे भी मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है। भगवान एक एक चिन्ना जी आर स्वामी हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, वो कहते हैं कि अगर आप वास्तविक सन्यासी वही है जो इस संसार को बहुत ज्यादा दे और बहुत कम ले, टेक एज लीस्ट एज पॉसिबल, गिव एज मच एज पॉसिबल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए सन्यासी। तो उनको
बहुत सौभाग्य है सब कुछ करने का अवसर मिला। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे धन्यवाद, कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद हरे प्रणाम, कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी माता जी, हरे हरे कृष्ण पद।